Listen, Chawla, you are great. You are my gold fund partner. Okay, okay. Tumko bottle milega. Tum Gomes ke saath jao. Chalo. Hello. Sorry, sure. Gomes, मुझे लगता है इसको बहुत चढ़ गई है. इसे केबिन में ले जाकर सुला दो. ये धमाका कैसा? इंजन बंद कर दो. क्या हुआ लोबो? Gomes? Gomes. Gomes, तुमने लोबो को शूट किया? Yes, sir. But why? हमने उसको रोकने का बहुत कोशिश किया सर, पर ये नशे में धुत था, विस्की की पेटी तोड़ रहा था सर. You shut up! इस पागल को लॉकअप में डाल दो. खबरदार, कोई भी आदमी आगे बढ़ा तो जान ले लूंगा. Gomes, तू हमारे कंपनी के जहाज से सोने की स्मगलिंग करता है? बोल किसका माल है ये? ये तो तुमको आखिरी जिंदगी में नहीं मालूम होने का कैप्टन, पर तुमको मंगता है तो इसमें भागीदारी मिल सकता है. बोलो कितना चाहिए? Shut up, you traitor! दुनिया के सारे सोने के बदले में भी तू चावला का धर्म नहीं खरीद सकता. अकल से बात करो कैप्टन. क्या ईमान, धर्म, शराफत या भंकस भाषण बंद करो. इससे जवानी में दो रोटी और एंड में भीख के सिवा कुछ नहीं मिलता कैप्टन. जाओ बक्सा उठाओ, जितना बक्सा उठाओगे सब तुम्हारा. बोलो स्मगलर्स के इस एजेंट को ले जाओ और बंद कर दो. मैं कोस्टल पुलिस को खबर करता हूं. पकड़ लो कैप्टन को. चल्ला. यस सर. जहाज पर कब्जा कर लो. चावला को संभाला. मैं कंट्रोल रूम से बॉस को कांटेक्ट करता हूं. जा. हेलो 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 डेल्टा पुलिस स्टेशन. हेलो 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 डेल्टा पुलिस स्टेशन. हेलो. Gomes कॉलिंग बॉस. ओवर. बॉस स्पीकिंग. ओवर. कैप्टन चावला को आंखें सोने का पता चल गया है बॉस. ओवर. कैप्टन चावला को उसी सोने में तोल के खरीद लो. ओवर. अरे नहीं बॉस, हमने उसको बहुत लालच दिखाया. पर तुम तो जानता है वो सर फरेला आदमी है. उसने तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पूरा डिस्ट्रॉय करने का ओथ लिया है बॉस. और फिर उसके आदमी और हमारे आदमी के बीच वॉर चल रहा है बॉस. हमारे कई आदमी मारे गए हैं. अपना जान बचाने का चांस है ना सोना बचाने का. ओवर. तो फिर सोने को कैप्टन चावला और जहाज के समेत समंदर में डुबो दो. ओवर. बॉस द मैसेज इज ओवर. बॉस ने जहाज को डुबो देने का ऑर्डर दिया है. तुम लाइफ बोट समंदर में उतारो. मैं इंजन रूम में डायनामाइट फिट करके आता हूं. ये वायरलेस स्मैश कर दो.
मिसेस चावला स्पीकिंग। भला पहचाना तो कौन बोल रहा है? वो आप। देखो मुझे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर रणबीर से इसी वक्त मिलना है, एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मुझे घर आने में देर हो जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। कैप्टन चावला, आपको चाहे हमारी कंपनी में काम करते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इस छोटे से अरसे में जिस बहादुरी और ईमानदारी का आपने सबूत दिया है, उसे देखते हुए हमें सम्राट के डूबने का जरा भी दुख नहीं। आप जिंदा हैं, सही सलामत हम तक पहुंच गए हैं, हमें ऐसा लगता है सारी दुनिया की दौलत हमें मिल गई। मिस्टर रणबीर, मेरी मौत तो उसी वक्त हो गई थी जब मेरा जहाज डूबा, जिंदगी तो मुझे उस दिन मिलेगी जिस दिन मैं उन देशद्रोहियों को पकड़कर उनके ऑर्गेनाइजेशन और उनके बॉस को स्मैश कर सकूंगा। ब्रावो, आई विश यू गुड लक। थैंक यू सर। Cheers. सर, यही तो वो नीच नमक हराम के यहां, इसका मतलब है कि इसका ये मतलब है कि नमक हराम, नीच हराम और तू है, यू अंडरस्टैंड? अभी समझ में आई? और कुछ समझाऊं मैं? समझ गया। इसका मतलब ये है कि इन सबका हेतु तू है, अब तू भी नहीं बच पाएगा मेरे हाथों से। जूस काउंटर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शट अप, ले जाओ उसे। कुत्ते, तेरा घर है ना, जितना जी चाहे भौंक ले काट ले, मैं तेरी जात पहचान गया हूं, मैं तेरा फंडा फोड़ के रहूंगा। गोम्स। यस बॉस। हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हैं और वक्त आने पर हम तुम्हें ऐसा इनाम देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। थैंक यू बॉस। और एक बात ध्यान से सुन लो, सब मिलकर पुलिस को बयान देना कि कैप्टन चावला किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट था जो सम्राट के जरिए गोला बारूद और गैर कानूनी हथियार हमारे मुल्क में फैले हुए उनकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस को सप्लाई किया करता था, और जब आप लोगों को मालूम पड़ा, आपने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो बौखला कर उसने गोला बारूद में आग लगा दी और सम्राट को डुबो दिया। यस बॉस। कर्ता सिंह, मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुसा है, अभी भी मैंने उसको जाते देखा है। ओ नहीं मैम साहब, ये कैसे हो सकता है, मैं खुद ही 5 मिनट पहले बत्ती बंद करके गया हूँ। और फिर चोर की क्या मजाल जो कर्ता सिंह के होते हुए घर में घुस जाए। कर्ता सिंह, मैंने उसका साया भागते हुए देखा था। हाँ आप फिक्र ना करो मैम साहब, आराम करो, मैं जागता रहूंगा, मैं उन्हीं सब कमरे चेक कर लेता हूँ। सर ये स्टेन गन भी बरामद हुई। सर ये डायनामाइट स्टिक, ये गोलियां सोफे के नीचे छुपा कर रखी हुई थी। मिसेस चावला, क्या आप बता सकती हैं कि ये सब चीजें आपके घर में कहां से आईं? कल रात इस घर में कोई चोर घुसा था, ये चीजें जरूर वही आदमी रख कर गया होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरे पति के खिलाफ ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है, हम आपका बयान देंगे और इसकी तहकीकात भी करेंगे। वैसे इस ड्राइवर के अलावा आपके घर में और कौन कौन है? इसके सिवा हमारे घर में और कोई नहीं है, हमारी एक बेटी है सुमन, वो लंदन में अपनी फूफी के यहाँ 3 साल से पढ़ रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। नहीं सुमन, तू नहीं जानती जिन हत्यारों ने तेरे डैडी के खिलाफ साजिश की है, वो कैसे राक्षस है, वो तेरे भी जान ले लेंगे बेटा। जान तो वो मेरी तब ले सकेंगे माँ, जब मैं उन्हें जिंदा छोड़ूंगी, एक एक को उनकी चिताओं में भस्म करके अपने देवता समान डैडी का कलंक ना मिटा दूं माँ, तो तुम मुझे अपनी कोख की जन्मी न कहना। लो बीबी जी, एक आधा टुकड़ा तो खा लो। डैडी तो पता नहीं माँ को फोन करने के बाद कहाँ, किस हाल और किस मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन उनकी बेगुनाही के सब सबूत तो उसी जहाज में मौजूद होंगे ना। ओ लेकिन बीबी, वो तो इतने गहरे और खतरनाक समंदर विच डूबा है कि उसका पता लगाना नामुमकिन है। मुझे अब अपना जीवन इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने में बिताना है। मैंने अपनी जिंदगी की राह ढूंढ ली है,
हम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हमारे पास जो कुछ है उसे बेचकर एक ट्रॉलर खरीदेंगे और फिर समुद्र में सम्राट की खोज लगाकर मैं अपने डैडी की बेगुनाही का सबूत दुनिया के सामने रख दूंगी। ये तो बस रामराज दिवस का काम है। रामराज, ये कौन है? है नहीं बीबी जी, हैं, दो हैं, राम तेराज। बीबी जी, जिस तरह जुआरी दाव लगाने से पहले राजा नल का नाम लेते हैं ना, उसी तरह गोताखोर गोता लगाने से पहले इनका नाम लेते हैं। ऐसे जबरदस्त हैं ये गोताखोर। मैं कहाँ मिल सकती हूँ उनसे? बीबी जी, ऐ धरती पर तो तुहानु मिलन तो रहे, वो जेड़ा राम है ना, उसनु तो औरत जात से जन्मदा बैर है। पर क्यों? क्योंकि बीबी जी, रुपए में 80 पैसे तो पागल हैं दोनों के दोनों। जिस काम दे माहिर हैं, उसी काम से चिड़े उन दोनों को। मैं कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उनको इस काम पर राजी कर लूंगी, तो मुझे सिर्फ उनका पता करा दो। पता तो बीबी जी उन दोनों को अपना भी नहीं होगा, इतने मस्ताने हैं वो दोनों। पर बीबी जी, मैं इतना जानता हूँ कि वो जहाँ भी होंगे, राज अपना बाजा बजा रहा होगा और राम जरूर किसी ना किसी जुए के अड्डे पे बैठा तीन बत्तों में दाव लगा रहा होगा। जय राजन, पहलवान 100 की 1 चाल। हक तेरी। ब्रदर, अपनी भी 100 की हो गई। 7 साल की पनौती आज बरोबर टूटेगी इस पत्ते से। 200 की 1 चाल और। ये मेरी भी 200 की चाल। अरे शो करा ले, नहीं तो हैरान हो जाएगा बॉम्बे सिटी में। ब्रदर, हैरान होने का बचपन से बहुत प्रैक्टिस हो गया है पहलवान जी। ये 200 की चाल। तूने अपने को हैरान कर दिया है। लो शो कर। यानी तुम? ए साला डफर की दुम, इस पत्ते पर शो मांगता है? अरे ऐसा पत्ता तो अखी लाइफ में एक ही टाइम आता है, पलट कर चाल मार। जेनी डार्लिंग, मत मरवा, बड़ा ब्रदर एकदम सॉलिड लगता है, अपना पत्ता फिट गया है। ओ शट अप, तेरे को जेनी ने बकबक करने को नहीं बोला डफर, चाल चलने को बोला। साले क्लब के पत्तेबाज लोग पत्ते लगा लगा कर मेरे पापा को कितनी टाइम लूट लिया, आज ये चीटर लोग बरोबर मेरी आंटी पर चढ़ा है। बाजू हट, चाल चल 200 की। पहलवान जुगाड़ करना है तो अपनी जगह पकड़ और पत्ते पकड़। चौकरी लोग से अपन कोई टेप की खिटपिट नहीं मांगता, जुगार की भी नहीं। ए शार्पर, इधर जुगार के अड्डे पर तेरा कानून नहीं चलने वाला। अपना कानून अपनी औरत पर चला घर जाकर। अपन की चाल हो चुकी, तेरे को चाल चलना है तो चल, नहीं तो पत्ता फेंक और घर का रास्ता पकड़। क्या उठाऊ माल ब्रदर? अबे चा, अबे तुसे ठेंगा बरोबर छोकरी तो हटाई नहीं गई, तू राम के दाव का माल क्या उठाएगा? 400 की 1 चाल और। टाइगर, मार 500 की चाल फटाक से। ब्रदर, ये लो 500 की चाल फटाक से। अपना माल पत्ते पे नहीं लग रहा है ब्रदर, चैनी पे लग रहा है। राजू, अबे और राजू, कहाँ मर गया साला? अरे अभी अभी तो यही था, पता नहीं किधर गया। गया साला किसी फंटी के चक्कर में। पहलवान, 2000 का माल 500 में, इसे बोलो शो करे। इसको बोल दे ये स्मगलिंग का माल चोर बाजार में चलेगा, इधर जिन्नी को रोकड़ा मांगता है रोकड़ा। ओ बादशाह हो, ये क्या कर रहे हो, अपनी इज्जत ताबे लगा रहे हो? ये गुरबजंदा माल किस दिन काम आएगा? तू अड़े इन पत्तों पे तो पंजाब गवर्नमेंट भी माल लगा सकती है। ओए पंजाब के पुत्र, गवर्नमेंट की बात छोड़, ये बता तू कितना माल लगा सकता है? हाँ ये भी बता दे भागीदारी कितनी चाहिए। ओ लख लानत है, हार जीत के लिए तो गुरबचन ने कभी जिंदगी में माल नहीं लगाया। अरे गुरबचन तो तुम्हारी यारी दोस्ती पर माल लगा रहा है। आया ना पंजाब दा कलेजा। ओ रहने दे कलेजे नू, आज गुरबचन तुम्हारे काम आ रहा है तो कल तुसे गुरबचन ने काम आना। ओ जरूर आवांगे जी, जरूर आवांगे। हट, ते लगाओ माल दाओ। ले जी माल ले, शाबाश। शो नहीं कुड़िए,
चाल। 500 की चाल और। अपना पत्ता पिट गया जेनी, लास्ट में लास्ट यही माल है, फेंक दे। बच गए साले लोग, नहीं तो बिना टिकट के पंजाब भेज देती। शोकर, हम तुम्हें टिकट के साथ पंजाब भेजेंगे। पंजाब छक्का, आगे का दिखाऊं? सत्ता माल उठा ले सब टाइगर, तीन एका है इधर। तीन एका किधर? माल उठा ले चक्रम, ये देख। खबरदार जो कोई माई का लाल अपने माल को हाथ लगाया। किस फंटी के पास मर गया था? इधर ही था यार। इस जादूगर मैडम के हाथ की सफाई का तमाशा देख रहा था। ये तिनिका है ना, ये इसके हाथ की सफाई का पत्ता है। असली पत्ता तो ये देख, दो तीन चार। अबे मुंह क्या देख रहा है, अपना चमाल है, उठा। ए कुड़िये, सड़े यार नु उल्लू बनाती है, ठिपरी टाइट कर देंगे तेरी। अरे बाजू हट यार के पुत्र। ए टाइगर, देखता क्या है डफर, ये जिन्नी को हाथ डालता है तू चुप मुंह देख रहा है? मार साले लोगों को मार। साला उलगाता चिल्ला दे, अब तमाशा हो। छक्के पासे मर गए सब लोग। पैंतरा नंबर 44। शाबाश, क्यों टिकट के लिए रोकड़ा दूं? वाह मेरे मच्छे। अरे साई हमारी तरफ का तू सत्यानाश कर रहा, दोस्त को रोको नहीं। अरे बड़ी दोस्त को रोको नहीं। देखो मैं और बैंड बजाओ, बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए। बजाओ बजाओ। अरे बैंड ऐसा बजाओ कि सबका बैंड बज जाए। टाइगर। ओह जेनी डार्लिंग। व्हाट जेनी डार्लिंग? यू टाइगर? यू आर योर ब्लडी चूहा। पुलिस स्टेशन, अरे लालू नहीं बात करता है, हमारी कल का खाना खराब हो गया। हुआ 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 हुआ। ओ थानेदारा, बियर पीनी है, एले। ओ जम्मू सिंह, कब आ गया था? इन तीनों ने क्लब का सत्यानाश कर दिया। वो देख। अबे, तेरी तो। अबे आदमी है या गेंडा है? ये गेंडा गर्दन दबा रहा था, दिखा साले को। अब तू आया है? उड़ा उड़ा उड़ा। गोलर की साले की। जनक जनक मोरी बाजे, अरे अरे बाप रे, इतनी मारा मारी। घुमा घुमा दे सूत्रे को, मार उठा। अरे पकड़ लो इन सबको। राजू, मेरी जैकेट में माल है, चल दिया जा। ए टाइगर, देखो वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो उनको। ए पकड़ ही नहीं। ओ छोड़ो मैंनु। यहाँ तो कोई भी नहीं, चलो अंदर देख। साहब, वो अंदर बहुत दंगा हो रहा है, जल्दी जाकर पकड़ लीजिए, जाइए। अबे ये नहीं, लाल गाड़ी। राजू, वो सरदार बेचारा तो अंदर ही रह गया। आजा करे। Thank you.
छोटे हाथ कई लोगों ने मारे, ओ हो हो आज नोट वापस आ गए सारे, छोटे छोटे हाथ कई लोगों ने मारे, आज नोट वापस आ गए सारे, यानी सो सुनार की और एक लोहार की, यानी सो सुनार की और एक लोहार की, जुमला ये अच्छा पर जस्ता पड़ गया भाई, पत्ता पड़ गया पंजा छक्का सत्ता पड़ गया भाई, पत्ता पड़ गया। जवानी में हिसाब नहीं तेरा, सुन ओ हसीना जवाब नहीं तेरा, उसने जवानी में हिसाब नहीं तेरा, गोरा रंग होट लाल तेरी क्या धूम मिसाल, गोरा रंग होट लाल तेरी क्या धूम मिसाल, चूने में जैसे इकट्ठा पड़ गया कोई पत्ता पड़ गया, छक्का सत्ता पड़ गया भाई, पत्ता पड़ गया। मिस्टर रणबीर, जेंटलमैन, आप लोगों ने जो अपनी जान पर खेलकर मुझे अपनी वफादारी का सबूत दिया है, उसके लिए मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसानमंद रहूंगा, और उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए मैंने आप लोगों को इस छोटी सी पार्टी में बुलाया है, और ऐसे एहसान का बदला चुकाने का एक सिर्फ एक तरीका है, और वो है Oh,
है तुमने क्या किया रणबीर? तुमने अपने उन वफादार आदमियों को मार डाला जो हमेशा तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। मम्मी, अगर मैं उन लोगों की जान नहीं लेता तो एक न एक दिन उनमें से कोई एक वफादार करोड़ों रुपए के सोने की कमीशन हासिल करने के लिए मेरी जान ले लेता, सरकारी गवाह बनकर हम सबकी जान ले लेता। अब यह सोचिए कि मुझे किसी तरफ से कोई भी खतरा नहीं। सम्राट के इंश्योरेंस का लाखों रुपए मेरी इस मुट्ठी में है और डूबे हुए सोने का करोड़ों रुपए मेरी इस मुट्ठी में। पिताजी, आपको इस बीमारी में उठ के नहीं आना चाहिए पिताजी। ये तुम कौन से सोने का जिक्र कर रहे थे? कैसा सोना? पिताजी, लगता है आपकी तबीयत वाकई खराब है। बातें मत बनाओ रणवीर, मैंने अपने कानों से सोना, समंदर, सरकारी कावा ये बातें सुनी। जरूर कोई खतरनाक बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। ओहो, तुम्हें क्या हो गया है? हमारे सारे कारोबार के मालिक तो तुम हो, सोल प्रोप्राइटर। भला तुमसे कोई बात छिपाई जा सकती है? रणबीर ठीक कहता था, जरूर तुम्हारी तबीयत खराब है। आज तुमने फिर इंजेक्शन नहीं लगवाया। नर्स, पिताजी बैठिए। देखिए, आप अपनी सेहत के साथ इतनी लापरवाही मत बरतिए। आपको अगर कुछ हो गया तो हम दोनों का सहारा और कोई नहीं है पिताजी। मैं तुम लोगों का सहारा नहीं बल्कि तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली कठपुतली हूँ। नहीं नहीं नर्स, नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं, मुझे ठीक से नहीं चाहिए। पिताजी 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 जिद मत कीजिए। नहीं नहीं करो। आई एम सॉरी पिताजी, लेकिन आपकी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती रणवीर। आई एम सॉरी पिताजी। नर्स, पिताजी को इनके कमरे में ले जाओ और आराम करने दो। जाइए पिताजी, रेस्ट, आप बिल्कुल आराम कीजिए। बेटा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि सम्राट के डूबने की जगह सिर्फ उन लोगों को मालूम थी जिनको तुमने खत्म कर दिया है, अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा? कैप्टन चावला से माँ, जो हमारे कब्जे में है। ठीक है। Hands up! राजू, काय को बम मारता है यार? कौन सी मुसीबत फट पड़ी है? लाल भूतनी। कौन सी लाल वाल कर क्या? मैडम, मैडम, मैडम क्या कर रहे हैं? अकाल बाहर कर उसे। अबे चुप। मैडम, बोलता है तुम दोनों गुंडा लोग हैंड्स अप करो। इंग्लिश समझ पड़ता है कि नहीं? नहीं मैडम, इसको इंग्लिश एकदम नहीं मालूम, अपन को बरोबर मालूम है। राम, हैंड्स अप मतलब हाथ ऊपर कर। अरे अरे नीचे, ऐसा अपन को मालूम मैडम। साले लोग हमारी मोटर का कबाड़ा करके अब हमारे घर को लूटने का घुसा है। क्या तुम्हारा घर? नहीं तो क्या तुम्हारे बाप का घर है? तो फिर अपन वेरी वेरी सॉरी मैडम। चल भाई राम, अपन भूल खा गया, ये तो अपनी मैडम का घर है। मैडम अपन चले, संभालो अपना घर। इधर का इधर ही खड़े रहो दोनों साले लोग। जेनिफर से भागने की ट्रिक बाजी की तो इधर ही लंबा लेट कर दोगे। अब तुम दोनों जेनिफर के हाथ से बचकर किधर भी नहीं जा सकेगा। इधर से सीधा 66 साल को अंदर जाएगा, समझा? हेलो, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। हाँ, जेनिफर हियर। क्या हमारा ड्रेस? हाँ, ये पापा। ओ पापा, ओ गॉड, ये क्या हो गया पापा? तुम्हारे बाजू को क्या हो गया? क्या हुआ पापा? ये सब क्या है? किसने इंजर किया तुम्हें? पापा बोलते क्यों नहीं? क्या इन गुंडे लोगों ने? अरे नहीं मैडम, क्या बोलता है, ये आपने नहीं खेला। आप उनको तो मालूम ही नहीं था कि ये तुम्हारा पापा, इनको किसी दुश्मन ने गोली मारकर समुद्र में फेंक दिया था। ऊपर से शार्क मछली इनको खाता था, आप उन लोग ने इनको बचाया है। अरे पर तुम इनको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? अरे अपना वो बेस्ट फ्रेंड है ना राम, वो समुद्र की हर मार हर चोट का बेस में बेस्ट मास्टर है, उसी ने दवा दारू किया है। देखो, हाँ होश में आता है, देखो होश में आता है। पापा, पाने। हाँ। अरे रे रे रे, ये क्या कर रही है? ये तो अगले बरस का भी पानी पेला है।
देखो ऐसा करो, राम ने ये जड़ी बूटी दी है, इसको पानी में यूं भिगोने का, यूं। अब ये इनको पिलाने का भी और जख्म पे लगाने का भी। ले यार, ये तो लफड़े के बीचों बीच से दूसरा लफड़ा खड़ा हो गया। वो बुड्ढा तो उस लड़की का बाप निकला। अपन को अच्छा चांस मिल गया है, वो अंदर बाप के साथ अटकेली है, अपन चुपचाप भारी भार से फूट लेते हैं। नहीं, अभी तो अपन अंदर फूटेगा, अपना अखा माल बड़ा उसे वसूल करेगा। तू कौन से माल की बात कर रहा है यार? पंजे छक्के सत्ते का माल, जो बड़ाऊ को बचाने में पानी में बह गया। 7,000 रोकड़ा था। पिस्तौल और शार्क की मार से तो बच गया ला बुड्ढा, पर तेरे 7,000 के आंकड़े से उस बिचारे की खाट खड़ी हो जाएगी। खाट खड़ी हो या बिस्तर, अपन तो माल वसूल। अब समझा, उस छोकरी को देखकर तेरे दिल में छुछुंदर दौड़ने लगी है, तभी बड़ाऊ की साइड मारता है। हट बाजू, बाजू हट। साले में जरा भी जेंटलमैन पना नहीं है अपुन की माफिक। क्यों मास्टर, तबीयत पानी कैसा है? तू ही वो राम है ना, चैंपियन डुबकी मार राम? हाँ बरोबर, वही डुबकी मार। पर अपन को तुमसे एक प्राइवेट में बात करने का है, इस खिटपिट को बोलो बाहर जाए। नहीं, ये मेरी बेटी है जेनिफर। बेफिजूल की बात छोड़ो मास्टर, अपन जानता है, बरोबर जानता है। बेटी, इसको होली मदर ने भेजा, इसने मेरी जान बचाई, ये एंजल है। अपन को जल्दी है। बेटी, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है, तू मुझे प्रॉमिस कर, अगर मेरे को कुछ हो गया पापा, तो तू इसका पांव कभी नहीं छोड़ेगी। यार मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट बात करने का, तुम्हारा भोपो बंद ही नहीं होता। अरे पापा को कुछ हो रहा है। मास्टर, ए मास्टर, मुझे अंधियारी आ रही है। मास्टर मेरे सो गया भाई। थैंक यू वेरी मच, यू आर रियली एन एंजल। चल हट, तू काहे को गले पड़ रही है? एंजल, बात बनी नहीं क्या? उस खड़ोस को बचा के अपन ने मिस्टेक किया, साले को वापस समंदर में फेंक देना चाहिए। क्या बोलता है यार, अखी दुनिया का भंकस मस्का मार रहा है, एंजल है, वो है, ये है, और क्या है, वो अपनी मुसीबत जिंदगी भर के लिए मेरे गले डाल देना चाहता है। काम की बात की तो बोलता है अंधियारी आ रही है, साला ठस से लुढ़क गया। अबे बरोबर तपास किया था, कहीं सचमुच तो नहीं लुढ़क गया? अबे मैंने नाड़ी तो पकड़ कर देखी नहीं उसकी, लुढ़क भी गया तो क्या है, औलाद तो छोड़कर मरेगा, माल अपन छोड़ने वाला नहीं है। औलाद तो छोकरी है यार, और तू तो छोकरी लोग से नफरत करता है, फिर पैसे कैसे वसूल करेगा? तू किस मर्ज की दवा है, छोकरी से माल की वसूली तुझे करनी होगी। देख देख राम, बचपन में जब अपन की नवी नवी दोस्ती हुई थी तो तूने अपन को कसम दिला दी थी कि अपन दोनों जन्म भर औरत लोग के साथ कोई भी टेप का लफड़ा रखने का नहीं, और फिर तू तो हमेशा से जानता है अपन जरा जेंटलमैन टाइप आदमी है, छोकरी लोग से पैसा वसूल करने का आइडिया अपन को एकदम लोफर आइडिया लगता है। हाँ अभी वो जेंटलमैन के जने, जुगाड़ की जीत की वसूली का हक धर्म और कानून के हक से भी ज्यादा बड़ा होता है, और वो भी मेरी लकी जीत। मैं इस घर से अपनी पाई पाई वसूल करके जाऊंगा, और तुझे कहीं जाना जा मर। अरे कुत्ते, कौन सा धंधा नहीं किया तेरे लिए, और तूने गोम्स की जान पर गोली दाग दी कमीने। अब देख गोम्स तेरे से कैसा बदला लेता है। तूने गोम्स का एक हाथ छीन लिया, लेकिन गोम्स के लॉर्ड गॉड ने उसको 4 हाथ दे दिए, और वो भी मास्टर सी डाइवर्स के हाथ। उनकी मदद से अब तेरे सारे सोने का मालिक गोम्स बन जाएगा, और अपनी बिटिया को रानी बनाएगा, और तेरे को सड़क का भिखारी। सोए क्यों नहीं बेटा? अरे मेरे को नींद कहाँ, पर तू क्यों जाग रही है अजुन तक? दवा जो पिलाना है तुमको, ये लो पियो। उन दोनों लोग का रहने का खाने का सब बढ़िया कर दिया ना, उनको जरा ही तकलीफ ना होने देना जेनी। दुनिया की फिक्र छोड़ो पापा,
अपनी फिक्र करो, आधी जान तो रह गई तुम्हारी। अरे मेरी फिक्र तो तू है, बैठ। तू जितनी जल्दी फैसला करेगी उतनी जल्दी मेरी फिक्र दूर हो जाएगी। किस बात का फैसला पापा? अपना मैरिज बनाने का। ये दोनों के दोनों एंजल हैं, एकदम हाई क्लास आदमी हैं। इन दोनों में से तुमको कौन जास्ती? बस तुम चुप हो जाओ पापा। तेरी शादी के बाद तेरी लक एकदम पलट जाएगी। अब तुम सो जाओ, तुम तो जागते हुए भी सपने देखते हो। सपना नहीं है बेटी, ये सच है। होली मदर, जेनिफर के दिल को वो दोनों में से कौन जास्ती पसंद है ये जेनिफर पापा को कैसे बोल नहीं सकता है? जेनिफर का मदर तो है नहीं, जेनिफर का मदर तो तुम है। पर तुमको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है ना कि जेनिफर किस लफड़े में फंसेला। जेनिफर ने उसके साथ क्लब में 3 एके का चीटिंग किया और इसके वास्ते वो जेनिफर के साथ बात करने को भी हेट करता है। एंड टू टेल यू द ट्रूथ होली मदर, जब से पापा ने बताया कि उसने चाकू से शार्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तब से जेनिफर का दिल भी टुकड़े टुकड़े हो गया। मामा, जेनिफर को उसी के साथ मैरिज बनाने का मन था है। तुम अपनी जेनिफर को ब्लेसिंग्स दो ना। थैंक यू वेरी मच होली मदर, थैंक यू। जेनिफर तेरे को वेरी सॉरी बोलने को आई है, वो तेरे को एकदम लव करने को लगी है। कौन है? कौन है? कौन है? राजू, ओ राजू, राजू से कहा था मेरे साथ सो जा। अबे खाली पीली आधी रात को काय को बम बम करता है, कोई खटमल कर रहा तेरे को? अबे वो खटमल की औलाद, यहाँ कोई लफड़ा करने के लिए आया था। तेरे साथ कोई क्या लफड़ा करेगा? हाँ, सपना देखा होगा। सपना देखा होगा? सपना साला प्लेट तोड़ेगा, ग्लास तोड़ेगा। मुझे तो जनाना खुशबू आ रही है। बरोबर बोल रहा है, बिल्कुल बरोबर बोल रहा है, यहाँ कोई लफड़ा जरूर है। इधर है लफड़ा, बेस्ट में बेस्ट लफड़ा। अबे चिड़ी की तुम, बेस्ट से बेस्ट क्या हो गया, मुझे भी तो बता। वही जो तू हमेशा बोलता है, तेरा लक्की में लक्की टाइम चालू हो गया, इसे फेंक नीचे, बत्ती कर बंद और सो जा। बत्ती कर बंद और सो जा। अरे कभी तो दोस्त की बात सुन लिया कर, चल सो जा। मैंने कहा था ना कोई लफड़ा है। अरे मैडम तुम यहाँ कैसे? देखा तू बाजू हट, इसे पूछ मेरे कमरे में अकेले आने का कलेजा कैसे हुआ। हाँ, ये कलेजे वाली बात का जवाब दो मैडम। अरे इसमें मेरे कलेजे का कोई लेना देना ही नहीं, मेरे पापा ने बोला ये एंजल है, इसको थैंक्स करने को आई। अबे खलास करना बात को, देखना बिचारी चूहे जैसे चूहेदान में फंसी पड़ी है। अब छोड़ इसकी जान को, निकाल अपना हाथी जैसा पाँव। तो इसको बोल दे अपन एंजल वेंजल कुछ नहीं है, और लड़की के मामले में तो एकदम कसाई हूँ कसाई। अकाल साली को बाहर बाहर अकाल। अच्छा बाबा अच्छा, ये लो मैडम, निकला निकला। उठो मैडम, अभी हक लो। अरे ठहरो ना, जाती हूँ। पहले इस हलकट से पूछ कि मेरे को काय को गाली देता है। काय को देता है? जेनिफर कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, जेनिफर ये वन क्लास की लड़की है, समझा? कोई खोटा काम नहीं किया जेनी ने। इधर इसके पास आने से आगू अपने होली मदर से इसके साथ शादी बनाने का पक्का प्रॉमिस किया था, पक्का। पीछे जब जेनिफर के दिल ने इसको अपन का हस्बैंड मान लिया ना, तभी इधर आई। क्या बोला? हस्बैंड? Yes. अरे अरे मैडम, अभी चुपचाप खिसक पड़ो यहाँ से, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। राम के लिए
हस्बैंड से बड़ा कोई भी गाली नहीं है, निकलो। अरे निकलो यहां से, मैं कहता हूं। होली मदर, उस रास्कल ने जेनिफर का जितना बेइज्जती किया, समझो उसका डबल बेइज्जती तुम्हारा हो गया। इस वास्ते कि जेनिफर पहले तुम्हारा ब्लेसिंग्स लिया, पीछू उसके कमरे में घुसा। बट डोंट वरी, अब जेनिफर उसको छोड़ने वाली नहीं है। ये एक आइडिया है होली मदर, ये जो बाजा बजाने वाला उसका दोस्त है ना, ये तो एकदम उसकी जान है, और ये है वैसे चालू टाइप। अब जेनिफर इसको अपने लव के लफड़े में फंसा कर उस रैस्कल को बरोबर सीधी लाइन पर लाएगी। कुछ दिनों से अपना यार साला राजू कहां गुल हो जाता है? मेरे को बोल के थोड़ा ही जाता है, अब तुम काहे को फिक्र करता है? अपन को उसकी फिक्र नहीं, लेकिन जब तुम्हारी छोकरी घर में नहीं होती उसी वक्त गुल होता है। अच्छा तुम्हारा छोकरी किधर गया है? हाँ हाँ जेनिफर, वो कुछ जरूरी काम के लिए नेशनल पार्क गया है, मेरे को बोल के गया है, कोई पूछताछ करे तो बता देना। अबे लड्डू, लड़की हंसी तो फंसी, अब भी नहीं समझा? नहीं। कांटों से उलझना पड़ता है। रोमियो जूलियट का किस्सा सुना? नहीं। लैला मजनू का? नहीं। अनारकली का? नहीं। ओफ़, तुम तो 100% देसी घी का लड्डू निकला। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए फार्मूला नंबर 440 ही ठीक रहेगा। वो क्या? आंचल मेरा इस तरह थाम ले, फिर यूं तड़प के कोई मिसाल दे।
हसी दिल रुबा है खूबसूरत हसी दिल रुबा बस दिल लगाना मुझे आ गया अब इससे आगे की कुछ बात कर जो कुछ कहा है वो करके दिखा वो करके दिखा छुड़ा के सिर्फ बातों से मुझको ना डाल दे मेरी पतली कमर में हाथ डाल दे दिल से दुनिया के डर को निकाल दे मेरी पतली कमर में हाथ डाल दे बाकी सब अपने आप हो जाएगा बाकी सब अपने आप हो जाएगा विश्वास खाती अब बोल एंजल मास्टर तेरे को तेरा जानी दोस्त वापस मांगता है तो बना जेनी से शादी मिला हाथ यू स्काउंड्रल रास्कल वो साला दोस्त वो मेरा राजू दोस्त साला आप उनको और आजाद के लिए छोड़कर चला गया क्या समझते हो अपने आप को साला आज 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 अपन पिएगा पिएगा आज राम तेरे को सॉरी बोलने को आया हूँ अपन को माफी दे दे यार साले अब तेरी ठरकबाजी नहीं माफ करूंगा बहुत माफ कर चुका मैं तुझे क्या कैसे माफ नहीं करेगा अपुन की इस मिस्टेक के अंदर रियल में तेरी मिस्टेक है अपुन की नहीं क्या बोल रहे और नहीं तो क्या रोज तू ही अपुन को बोलता था ना राज उसको ये बोल राज उसको वो बोल ये बोला बोली में उसका चांस लग गया साली ने बकरा बनाकर अपुन को काट डाला अपुन तो दोनों साइड से मारा गया न साला लव हुआ न बरोबर का सुर लगा क्या देख राम अपुन इस लाइफ की खिटखिट को आज खत्म ही कर डालता है ना देख अगर तू मुझे माफी नहीं देगा ना तो मेरी मैयत पर भी मत आना मैं चला ए, 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 राजू राजू क्या करता है अरे लाइफ को खराब करता है और क्या करता है मैं तेरे को तेरी भलाई की खातिर बोलता हूँ ये और साथ बहुत बड़ा पाप है तेरे को दुख होगा मैंने आज तक इसलिए तेरे को नहीं बोला रे इस और साथ मेरे घर को अंगार लगाकर मिट्टी में मिला डाला मिट्टी में मिला तू बराबर बोलता है ये छोकरी लोग एकदम कंडम है एकदम कंडम तू तू अपनी मिस्टेक मानता है तो चल फिर और सुन उस हरामन छोकरी के घर में हमको नहीं रहना उस घर में तो क्या जिस शहर में वो नंबरी छोकरी रहती है उस साले शहर ही में नहीं रहना ये बात है तो चल जिधर अपन का यार उधर अपन चल उठ चल हाँ चल राजू ये किधर को जाते साले क्रिमिनल बेवड़े बाज लोग जेनी से बचकर कोई गया है अर्जुन तक जो तुम लोग जाओगे ये हलकट इधर भी आ गई आज इसकी खैर नहीं तू बाजू हट मैं निपटता हूँ इस बंडलबाज से रास्ता छोड़ती है या बनाओ मटन चाप हैंड्स अप ले चलो ये मटन चॉप मास्टर को फ्राई करने ए, तुम साला कौन लोग है बीच में बोलता है क्या अबे है जो पुलिस है पिस्टल दिखाई नहीं देती हैंड्स अप का मतलब है हाथ ऊपर ऊपर कर हाथ इंस्पेक्टर साहब अपन के दोस्त को इंग्लिश नहीं आता चलो चलो किधर चलने का चलो अपने ससुराल को क्लब को लूटा हमारी गाड़ी का कबाड़ा किया ले जाओ साले लोगों को उन दोनों एंजल लोगों को जेल में बिठा दिया और हम क्या करने को सकता था पापा अपन उसको अंदर नहीं कराता तो अपन का लाइफ खलास कर डालता था वो पत्तेबाज अरे तू नहीं जानती तूने तो मेरी जिंदगी भर के प्लान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी
तुम फिकर मत करो पापा, एक दो दिन चक्की चलाकर जरा साले लोगों की अकल ठिकाने लगने दो। पीछे उन गुंडे लोगों का दुनिया में जेनिफर के सिवा रोने वाला है कौन? उनकी जमानत भर के मेरे को ही उनको बाहर लाना पड़ेगा। राजू मेरा नशा टूट रहा है। चल 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 अंदर, काय को बम मारता है? मरवा देना मेरे को। ये क्या साला, एकदम शमशान घाट लग रहा है, मुर्दा लोग लाइन से सो रहे हैं। अपन को भी इसी लाइन में एक जगह पकड़ने का है। कोने में एकदम हाई क्लास जगह है, चल। हाई क्लास जगह देखी है मैंने, गवर्नमेंट की हाई क्लास। अरे संभाल दू, क्या कर रहा है? कौन है भाई? अरे गुरुवचन सिंह। सरदार तू इधर कैसे मरेला है? अरे मत पूछो, सरदार को तो डबल मार पड़ गई। डबल मार? क्या कैसे? खीसे का माल तो सरकार ने जुगाड़ का माल समझकर अपने खाते में जमा कर दिया। अच्छा? और दाव का माल लेकर तुम दोनों गोल हो गए। पर खूब मिले तुम, वो जीता माल किथे है? और जीत का माल गया उत्थे पानी के अंदर, साला 7000 रोकड़ा। गुरुवचन सिंह, अपन तेरी पाई पाई चुकता करेंगे। क्या बात करते हो बादशाह हो, मिट्टी पांव पैसे थे। यारी दोस्ती विच मोहब्बत बड़ी चीज है, यार पर वक्त पड़ा गुरबचन काम आया, कल गुरबचन पर वक्त पड़े तो तुम काम आ जाना। गुरबचन सिंह तू अपना यार है, माँ कसम जान भी लुटा देंगे यारी पर। अश्के ओ अश्के, खैर तेरी जान को। गुरबचन दा एक छोटा सा काम है। कौन सा? गोवा के परे समुंदर विच एक जहाज डूब गया है ना। वो सम्राट? बिल्कुल, बस उसी का पता लगाना है। ए सरदार, तेरी खोपड़ी में भेजा है कि नहीं? हाँ, उस जहाज को ढूंढने को विलायती कितनी कंपनियां लगी पड़ी हैं, फिर भी पता नहीं चल रहा। और तू? पता लगेगा भी कैसे, उन लोगों के पास तुम जैसे डुबकी मार किधर हैं? तुम दोनों तो सागर के राजा हो। राजा किंग के किंग। ये अपन को गोली खिला रहे ला है, खा मत जाना। पर तू ये बता सरदार, तेरे को सम्राट से क्या लेना देना? हाँ, ये मत पूछो, बस यूं ही समझो कि सम्राट के साथ ही तुम्हारे यार की सब खुशियां, इज्जत, अरमान, आबरू समुद्र विच दफन है। और जिस दिन तुम सम्राट का पता लगा दोगे, उसी दिन तुम्हें ये राज भी मालूम हो जाएगा। ए गुरबचन, खिसक यहां से, तू कोई बहुत लंबा लफड़ेबाज दिख रहा है, अपन लोग को फंसा रहेला है। चल फूट यहां से। हाँ हाँ, फूटता हूँ। ठीक कहता था मेरा चाचा कि गुरबचना, यारी पंजाब ते खत्म है, बंबईया किसी का यार नहीं। ए, ए, गुरबचन सिंह बंबई वाला साथ देता है। अबे सुना नहीं तूने? फुट। अरे क्या ये, वो राजू, अपन ने उसको जवान दिया, अपन को जवान पूरी करनी चाहिए। पन साला आइडिया तो बोले कि उसको सम्राट से क्या लेना देना है। तू क्या सीआईडी का आदमी है? वो अपन के आड़े वक्त काम आया ना, आया, अपन को उसके आड़े वक्त काम आना चाहिए ना। अब वो अपन को सम्राट ढूंढने को बोला, अपन सम्राट ढूंढे तो जाकर ढूंढ, मिल जाए तो सुबह बता देना। गुड नाइट। सुस्त आदमी, गुड नाइट। गुरुवचन सिंह, मैं ढूंढूंगा। गुरुवचन सिंह, ये क्या छोकरी सरी के नखरे करने लगा है यार तू? ये राजू तेरा काम नहीं करता तो मैं तेरा काम कर दूंगा, पर तेरा काम तेरे बस का नहीं है यार। वो समुंदर के अंदर जाने के लिए तुम्हें लाखों रुपए की बोट की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से लाएगा? लुधियाने से लाएगा। प्यारे, बोट लॉन्च तो मैं तेनु ऐसी दिखाऊंगा कि तेरी तबीयत हरी हो जाएगी। अच्छा? तू मस्त होकर उस पर भंगड़ा ना करने लगे तो मेरा नाम गुरबचन नहीं। तू गोवा एक बार चलकर उसको देख तो, सागर का बाग नाम है उसका, और है भी बिल्कुल बाग जैसी, ऐसी चमा चम के उसके एक एक पार्ट में अपनी सूरत देख लो। और हाँ, उसका एक एक कमाल तो बताना मैं भूल ही गया, सुनो। चुप हो जा साले, अब अपनी जबान से एक वर्ड भी निकाला तो ऐसी रख के दूंगा कि जिंदगी भर के लिए जबड़ा टाइट हो जाएगा। अरे अरे अरे, तू क्यों विलायती बम की तरह फटपड़ा? ऐसी कौन सी झूठी बात बोल दी गुरबचन ने? सम्राट को तलाश करेगा, वो भी इस खटारे से। तेरी तो मैं अबे जाता कहां है? संभाल अपने यार को। मैं तेरे को लॉकअप में ही बोला था, ये कोई लफड़ेबाज लगता है। चल अपनी बात मान ले, चल फूट ले इधर से। फूट ले इधर से, अपन ने सरदार जी को जवान जो दी है। जवान? काहे की जवान? नशे में कोई कुछ भी भंकस कर सकता है, तू उस वक्त होश में थोड़ी था। होश में हो या बेहोश, सोता हो या जागता, मर्द की जवान मर्द की जवान होती है। सो भाई गुरुदी, लगता है तूने पंजाब का पानी पीता है। देख देख देख, फिर गोली खिला रहा है।
गोली को मार गोली यार, अभी कुछ खाने पीने का प्रबंध करते हैं, इंजन कल देख लेंगे। हाँ, चल 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 चल। ओ यारो, उधर किथे चले, इधर आओ। इधर किधर? गुरबचन के बंदोबस्त की तरफ। ये देखो, गोवा में भी गुरबचन ने पंजाब के माल का बंदोबस्त किया है। संतरा, जरा सुन कर देखो इसकी महक। अरे तुसी भी आओ बादशाह, आ जाओ। अब फिक्र ना कर, अब तेरी इस खटारा बोट का हम चकाचक करके सम्राट को कैसे भी ढूंढ देंगे। ओए बले 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 बले, ये हुई ना गल शेर दे पुत्र की। अरे सरदार किधर गया? राम राम, ये सरदार किधर गया? अरे मुझे क्या मालूम किधर गया। ठीक है ठीक है, तू सो जा, मैं इधर बाहर जाके आता हूँ। कपड़े कहाँ गए? हाँ? अच्छा, तुम ही वो बदमाश हो। दो मिठिया गल्ला कर कुड़िए, हंस के साडे नाल, अरे साथ खड़े हम दोनों, लगते हैं सोनी महिवाल। लड़की हसीन हो, लड़की हसीन हो ते लड़का नौजवान हो, लड़की हसीन हो, लड़की हसीन हो ते लड़का नौजवान हो, दोनों मिले तो क्या हो, क्या हो? दोनों मिले तो ऊपर जमीन नीचे आसमान हो, नीचे आसमान हो। लड़की हसीन हो ते लड़का नौजवान हो, दोनों मिले तो ऊपर जमीन नीचे आसमान हो, नीचे आसमान हो। लड़की हो तुम, होए 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 होए, लड़की हो तुम के रंग रूप की दुकान हो, दोनों मिले तो ऊपर जमीन नीचे आसमान हो, नीचे आसमान हो। Thank you.
ये तीर जिससे चला होए 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 ये तीर जिससे चला तुम हो कमान हो दोनों मिले तो ऊपर जमीन नीचे आसमान हो नीचे आसमान हो था हमारे भाग्य का चक्कर जिसकी सारी कहानी मैंने तुमको सुना दी है लेकिन मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है मेरी औलाद सोचती हूं इसके हाथ पीले कर दूं और फिर मैं गंगा मैया की गोद में मां तुम बस वही हाथ पीले करने की बात हर किसी के सामने शुरू कर देती हो सुमन यह राज कोई हर किसी नहीं है बेटा मां जी आपके मन में अपन के लिए जो विश्वास है ना इनके मन में जरा भी नहीं आप इनको गारंटी करवा दीजिए आपके इस नेक काम के लिए अगर आप उनकी जान भी चली जाएगी ना तो आप उन अपने आप को बड़ा से बड़ा नसीबदार समझेगा हाँ अच्छा माँ जी अपन चलता है आगे दीजिए राज पहली बार घर आए हो मुंह तो मीठा करके जाओ अरे मोतीचूर के लड्डू ये मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ क्यों ये अपन की दोस्त राम को बहुत पसंद है उसकी तो जान है अच्छा ये बात है तो ये तुम्हारा और बाकी सब तुम्हारे राम का लाओ और देखो राम के सामने तुम्हें गुरबचन बनकर रहना पड़ा था ना हाँ? अब भी उसके सामने तुम्हें गुरबचन बनकर ही रहना पड़ेगा और वो सत श्री अकाल राम ए राम अरे किधर मर रहा तू मैं इधर मर रहा हूँ तू इतनी देर कहाँ था बात यह है कि मेरे को मालूम पड़ा गोवा में एक जगह मोतीचूर का लड्डू एकदम हाई क्लास मिलता है तेरे को बहुत पसंद है ना तेरे लेने गया था ये देख मोतीचूर के लड्डू फेंक दे कचरे में वो हरामी गुरबचन का बच्चा कहाँ है अरे लेट आने में मिस्टेक अपुन का है उस बेचारे गुरबचन को काय को गाली देता है हा? अरे आज वो तेरे लिए गरीब बेचारा हो गया कल तो बोलता था हजार लफड़ेबाज का एक लफड़ेबाज है वो यार आज तो इतनी गर्मी क्यों घर रहा है आज तो तू ये इंजन देखने वाला था ना चल चल बहुत हो गया चल चालू करते हैं क्या चालू करते हैं इंजन अबे इसमें इंजन है कहाँ क्या इसमें इंजन भी नहीं है इसीलिए तो अपना भेजा गरम हो गया है वो साला गुरबचन तेरे से तो बच गया अपन उसका पैदा घोटाला बनाकर इधर ही मछली लोग को खिलाएगा अरे यारो कुछ तो इंसाफ की बात करो मैं तुम लोगों की चक्करबाजी में हो गया हवालात के अंदर इधर चोर लोगों ने कर दिया मेरे लॉन्च का इंजन गुल तुम्हारी वजह से मेरा माल भी गया और इज्जत भी और क्या मिला माँ पैंदी गाली बराबर बोल रहा है अपन को इसके इंजन का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा अपना भेजा तो काम नहीं कर रहा पर तू अचानक कैसे पलटी खा गया जो इसकी साइड ले रहा है अरे मैं इसकी साइड कहाँ ले रहा हूँ मैं तो तेरी साइड ले रहा हूँ तुझ बोला था ना कि आदमी सोता हो या जागता हो आदमी नशे में हो या होश में हो पर मर्द की जबान हमेशा मर्द की जबान रहती है वो वाली बात अपन को एकदम हाई क्लास बात लगी अपन को जबान पूरी करना मांगता जबान पूरी करने के लिए इस खटारा मॉडल का इंजन कहाँ से आएगा पापे ये मॉडल ये कंपनी का A1 इंजन एक ट्रॉलर में है पन वो ट्रॉलर है किधर यही गोवा में पन उसका नाम तो बोल सी लार्क क्या बात है सर आपने वो सी लार्क लॉन्च तैयार करने के लिए कहा था ना लेकिन उसका तो इंजन ही गायब है एक्सलेंट आई लाइक इट
हमारे स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स के होते हुए हमारी सबसे चाहती लॉन्च का इंजन गायब हो गया। वंडरफुल, चलो चल के जरा सिक्योरिटी वालों को शाबाशी दे देते। ये क्या मछलियां पकड़ रहे हैं? फिशिंग। Not fishing, something very fishy. ये लॉन्च किसकी है? एक लड़की की है। नाम? संध्या। जी हाँ, मेरा ही नाम संध्या है। Won't you please sit down? आपका शुभ नाम? पहले मुझे होश में तो आने दीजिए, फिर कोशिश करूंगा कि मुझे मेरा नाम याद आ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं इस धरती पर हूँ या इंदर के दरबार में किसी अप्सरा के सामने खड़ा हूँ। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। माँ, जरा चाय भिजवा दीजिए, मेहमान आए हैं। तबीयत तो शायराना पाई है आपने, बाकी परिचय भी खुद ही करवा दीजिए। कौन है आप? नाम रणवीर है मेरा, यहाँ की शिपिंग कॉर्पोरेशन का मालिक हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कैसे आना हुआ? आपके आदमी आपका ट्रॉलर ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जिन जगहों पर हम आसमान में चीलों को उड़ने की इजाजत नहीं देते। मिस्टर रणबीर, मुझे धमकाने की बेकार कोशिश मत कीजिए। आप अपना समय यहाँ बर्बाद मत कीजिए। मेरे पास फिशिंग लाइसेंस है और मुझे अपने आदमियों पर पूरा भरोसा है। अगर आपके हिसाब से वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा संध्या जी, लेकिन इतना याद रखिए, जमीन के इस हिस्से पे इंसाफ मांगने वाले कानून का नहीं रणवीर का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। क्या हुआ माँ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कांप क्यों रही हो माँ, क्या बात है? अभी अभी उस खिड़की पे जिस आदमी का साया देखा, वो कौन था सुमन? बहुत बड़ा आदमी है माँ, शिपिंग कंपनी का मालिक है। सुमन, जिस रात तेरी डैडी का आखिरी बार फोन आया था उस रात यही चोर हमारे घर में गोला बारूद छुपाने के लिए घुसा था। ये कैसे हो सकता है माँ, इतना बड़ा आदमी और चोर? तुम्हारी आंखें जरूर धोखा खा रही हैं। उस राक्षस को पहचानने में मेरी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं? उसकी छवि तो मानो उसी राह से किसी ने मेरे दिल पे छुरी से काट के बना दी है। ये वही पापी है सुमन, ये वही पापी है। इसका मतलब है मेरे डैडी को फंसाने में इसी नीच का हाथ है। राम, इधर देख, कुछ नजर आया। अरे ये तो वही लगता है जिसका इंजन मारा था। ए, क्या करता है? तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ठहर पूछता हूँ साले। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपने आप को मेरे आदमियों के हवाले कर दो। अरे तूने मरवा दिया काम। अबे डर मत, इस भैंसे की भैंस जैसी बोट का पाटिया गुल कर दो। फार्मूला फार्सी फोर। इनका पीछा करो, जाओ। खत्म। राजू, भूल दे इसको, भूल। टकराने दे बड़ी बोट के साथ, टकराने दे। Thank you.
इनकी कश्ती पर रस्सा फेंको और फांस के ले आओ इन दोनों को। तुम लोग क्या समझे थे मुझसे बच के निकल जाओगे? ना 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 जी, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी कश्ती में क्या है। कम ऑन। जलंधर पक 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 पोस्टल पुलिस को खबर करो। बोल रहे मैं कहता हूं रुक जाओ। राज, लगता है अपन को गोवा छोड़कर कोई दूसरा सिटी पकड़ना पड़ेगा। अपन तो फूट लेंगे लेकिन वो बेचारा गुरबचन लॉन्च के साथ धर लिया जाएगा। तो उसको भी खबर कर देना, बोल उसको फूटना है तो अपन के साथ फूट ले। ये गर्मा गर्मी खत्म होगी ना तो कोई दूसरा रास्ता सोचेंगे, पन जल्दी पलटना। लेकिन जाऊं किधर से, चारों तरफ से तो पुलिस ने घेरा हुआ है। अरे पुलिस को मैं इधर परेड कराता हूं तो उधर से फूट लेना। देख देख मैं क्या करता हूं। पुलिस जी, ए पुलिस जी, हम इधर है, आइए। मिस संध्या, आप ही का नाम है? जी हाँ। आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट है। कैसा वारंट, काहे का वारंट? ये आप क्या कह रहे हैं, जरूर आपको कोई धोखा हुआ है। माँ माँ तुम अंदर जाओ, वो मुझसे बात कर रहे हैं। तुम बीच में क्यों आ रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए बीच में आ रही हूँ। अंदर जाओ। माँ, इंस्पेक्टर साहब, जरूर किसी दुश्मन ने आपके कान भर दिए हैं। आप कुछ बताइए तो, मेरी बेटी का दोष क्या है, आखिर इसने कौन सा जुर्म किया है? मिस्टर रणबीर की लाज से चोरी किया हुआ इंजन इनकी कश्ती से बरामद हुआ है। और दूसरा जुर्म ये है कि जब मिस्टर रणबीर ने अपना चोरी किया हुआ इंजन इनकी कश्ती से हासिल करने की कोशिश की तो इनके आदमियों ने उनके आदमियों पर कातिलाना हमला कर दिया और उनकी लाखों रुपए की लाज को पहाड़ी से टकरा कर खत्म कर दिया। झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। दुश्मनों ने मेरी बेटी पे झूठे इल्जाम लगाए हैं। आप मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकते। माँ माँ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। चलो अंदर चलो, मैं सब संभालूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलो माँ चलो अंदर, तुम आराम करो प्लीज। संध्या जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। हेलो इंस्पेक्टर मास्टर, तुम्हारा मुजरिम इधर है। ये हथकड़ी अपन का हाथ में होना चाहिए। कौन हो तुम? अपन का नाम राज है। ओह, हाँ वही राज जिसे संध्या जी ने अपना लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है। अपन के सिवा और कौन माइकल लाल है जो रणवीर सेठ का इंजन उड़ा करके दूसरे लॉन्च में फिट कर सके। कांग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर, गुड जॉब। लेकिन इनका दूसरा साथी नहीं मिला? अगर एक हाथ लग जाए तो दूसरे का मिलना कोई मुश्किल नहीं होता मिस्टर रणवीर। वी विल गेट हिम। गुड मैडम, नमस्ते। मिस्टर रणवीर, आई एम वेरी सॉरी, यू मस्ट हेल्प मी, यू मस्ट। मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग इतने नीच हैं कि मुझे हथकड़ी लगवा देंगे। मैं औरत सीधी सादी इनकी बातों में आ गई। मैं समझी थी ये शरीफ आदमी है, 150 रुपए कमा कर ले आएंगे, हम लोगों की रोटी चलेगी। लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। प्लीज हेल्प मी। इट्स ऑलराइट इंस्पेक्टर साहब, असली मुजरिम तो आपको मिल गया है, इन्हें छोड़ दीजिए। चलो ये तो पकड़ा गया। थैंक यू वेरी वेरी मच। ऐन मौके पर आकर आपने मुझे इन गुंडों से बचा लिया। समझ में नहीं आता इतने बड़े एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। एहसान मन तो मुझे होना चाहिए था आपका, कि आप जैसा दोस्त मिल गया मुझे। कभी भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लीजिए, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। बाय। थैंक यू। रामन छोकरी सरदार बनकर तेरी आंखों में मिट्टी डाल गई,
और वो बुद्धू राज इसके इश्क में अंदर हो गया। थैंक यू होली मदर, थैंक यू। अपन को मालूम था तुम जरूर उसको वापस भेजोगी। कौन है जेनी? मास्टर, ओ मास्टर। ओ राम, माय एंजल, तुम किधर चला गया था? हम हर दिन हर रात तुम्हारे आने का प्रेयर कर रहा था। अपन एक बहुत जरूरी काम से आया है इधर मास्टर, और वो काम तुमको करना होगा। अरे तुम बैठो भी। एंजल, तुमको हमारा लाइफ भी मांगता है तो हम फट करके निकाल देगा। अरे तुम्हारा लाइफ लेकर अपन क्या करेगा? अपन को तो 10,000 रोकड़ा मांगता है। हाँ, वो अपना दोस्त है ना साला राजू, गोवा में जेल हो गया उसको, जमानत भरने का उसके। अरे तुम्हारा काम 100% हो जाएगा, तुम खातरी रखो। तुमको मालूम है हमारा जेनिफर बड़ा नाम वाला डांसर हो गया, अच्छा पैसा जमा किया उसने। अपन को तुम्हारी उस हलकट छोकरी का थोबड़ा भी देखने का नहीं। तुम इतना जल्दी गर्मी काहे को खाता है? हम जेनी से बात करता है, हम पैसा लाके देता है, तुम्हारा कोई दखल नहीं। तो फिर काहे को टाइम खोटा करता है बाबा, जा बात करो ना। अभी जाता है। जेनी, जेनी। बोल पापा। अरे देखो अपना एंजल राम आया है। हेलो एंजल, वेलकम होम। कुछ तबीयत पानी बरोबर नहीं लग रहा है एंजल का? अरे नहीं, वो एकदम लफड़े में आ गया, उसको 10,000 रुपया मांगता है। जेनिफर ने सब सुना, लेकिन पापा तेरे को तो मालूम है अपन रोकड़ा घर पे नहीं रखते हैं, मेरे को बैंक जाकर लाना पड़ेगा। हाँ। एंजल, तेरे को पैसा आज के आज मांगता है? अपने बाप से बात कर। अरे हाँ हाँ, अभी के अभी मांगता है उसको। मैं अभी के अभी लाई हूँ। बराबर गिनती करके लाना 10,000। 5, 6, 7, 8, 9, 10। उधर से तो गिनती करके लाई पापा, पन तेरे सामने भी गिनती कर ली, पूरे 10 हैं। हाँ मास्टर, इसे बोल दो कि इसकी पाई पाई सूद समेत चुका दूंगा। अरे ठीक है, पहले अपनी जरूरत तो पूरी कर ले। इतनी जल्दी मत मचा एंजल, अभी एक जरा सी अड़चन है, वो हटानी पड़ेगी। अड़चन? हाँ पापा, तेरे को तो मालूम है अपन ने दिन रात नाच नाच कर ये पैसा अपनी मैरिज बनाने को जोड़ा है। बरोबर। तुम्हारी छोकरी के का कान के पर्दे फट गए हैं, सुना नहीं इसने? मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, उधार मांग रहा हूँ। हाँ। और एक के दो दूंगा। हाँ। पन समझो कोई घोटाला हो गया तो? अरे तू काय को आड़ीबाजी की बात करती है रे? इसके पास कोई बंगला कोठी है क्या जो तेरे को गारंटी देगा? तो अपन एक ऐसा आइडिया क्यों ना लड़ाए कि मेरे और इसके बीच का सारा उधार गारंटी का लफड़ाई खलास हो जाए। मतलब? मैं इसको सारा पैसा बिना सूद बिना गारंटी के दे देती हूँ। वेरी गुड। और ये क्या करे? ये अपन के साथ मैरिज बना ले, इधर इसका काम उधर मेरा काम। एंजल, हम हमारा गॉड का कसम खा के तुमको बोलता, हम तुम्हारा पैसा देगा। हाँ, तुम खाने को ठोकर मत मारो। एंजल, हम तुम्हारा पांव छूता तुम थोड़ा चिकन खा लो। ठीक है। एंजल, एंजल, चल उठ। चल किधर? अपन को भगा के ले जाने का थोड़ी बात था, अपन के साथ शादी बनाने के बाद था मैरिज बनाने का। अब तू शादी बना या मेरा कीमा बना, अपन उस साले राजू के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपने को जमानत के लिए रुपया चाहिए और जल्दी चाहिए। हाँ तो फिर अपन भी अर्जेंट में अर्जेंट मैरिज बना डालते हैं सवेरे सवेरे।
बॉस मारता है। बड़ा ब्रदर, आज का दिन मूड बिल्कुल फर्स्ट क्लास रखने का, नहीं तो उधर बड़ा वांदा हो जाएगा। ठीक कहता है ये ना मास्टर। चुपे, मास्टर का बच्चा। अबे छोड़ ये झंझट, चलो कहाँ चलना मरने के लिए। यहाँ चलो। साले कसाई। हेलो मिस्टर राम। सीआईडी गोवा से वारंट लाए हो मेरे? जी नहीं, मेरा नाम बिजलानी है। मैं कई दिन से आपकी तलाश में फिर रहा हूँ। ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आज आपकी शादी। तुम अपना लफड़ा बोलो। जरा प्राइवेट बात। आइए अंदर। थैंक यू। बोलो सेठ। मैं इंश्योरेंस कंपनी का डायरेक्टर हूँ मिस्टर राम। हमारी कंपनी पे सम्राट जहाज के मालिक ने 1 करोड़ का क्लेम डाला है। हाँ, लेकिन हमारी कंपनी को शक है कि सम्राट के डूबने के पीछे एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी? ओ साजिश। ओ साजिश। हम सम्राट का पता लगाना चाहते हैं ताकि पूरी इंक्वायरी हो सके। इसके लिए हम आपको मुंह मांगी रकम दें। अब निकल लो सेठ। हाँ चलिए। अरे बड़ा ब्रदर, किधर को जाता? जलानी सेठ जरा पकड़ो, छोटा ब्रदर को जरा एड्रेस दे दूं। हाँ आइए आइए आइए, आप भी आइए आइए। हाँ, 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 हाँ। शाबाश। अरे मैन, कितना टाइम हो गया, तेरा दूल्हा किधर को है? मेरे को तो कुछ गड़बड़ दिखता है। लो आ गया। ये क्या? यही जो तुम देख रही हो। हमने बहुत ट्राई किया, देखो ना कितना फाइट किया, फिर भी साला भाग गया। भाग गया? हाँ। किधर को? और तो मेरे को कुछ नहीं मालूम, पर उसे एक आदमी मिलने को जरूर आया था। वो उसे गोवा जाने के लिए बोल रहा था। मैंने कहा था ना कोई लफड़ा है, वही निकला। जैनी, अब ये सूट मैं पहन लो। ओ शट अप, ये सूट मेरे को दो। उसने अपन का इतना इंसल्ट किया है, हम उसे छोड़ेगा नहीं। इसी सूट का हम उसको कफन नहीं पहनाया तो हमारा नाम जरीफन नहीं। ये है बजूक। समुन्द्र के इस हिस्से में बहुत खतरनाक समुद्री जानवर है, शार्क्स। ओ शार्क। इसको फायर करोगे तो पानी के नीचे बम फूटेगा, कोई भी जानवर मर जाएगा। और अगर ये भारी लगे तुम ये हार्पून ले जाना, तीर की तरह ये काम करता है, कोई भी जानवर मर सकता है। अपना अजूका बजूका तो ऊपर वाले के हाथ में है। रहे समुद्री जानवर, उनके साथ हम बचपन से कबड्डी खेलते आ रहे हैं। हाँ, फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। That's it. Good luck, Ram.
मैं तो आपका हुक्म बजाने के लिए एक अदना सा गुलाम हूँ। अच्छा, तो मेरा हुक्म ये है कि आप वक्त को हुक्म दें कि वो इसी दम हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा है। मुझे दुनिया में आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ ये वक्त कभी कभी खत्म ना हो, और मैं मस्ती में झूम झूम कर अपना प्यार आपके कदमों में निछावर कर दूं। इसमें क्या मुश्किल है? स्टॉप, रुक जाओ। बस रिपोर्ट मिली है कि सी ड्राइवर राम इंश्योरेंस डायरेक्टर बिजलानी के साथ गोवा आया हुआ है। मैं आ रहा हूं। जल्दी बॉस। आउट। कल मिला वक्त तो जुल्फें तेरी सुलझा दूंगा, आज उलझा हूं हालात के सुलझाने में। रास्ता देखकर चला करो बाबा। बेटा, जिंदगी में रास्ता ही तो देख के नहीं चला। अरे बुढ़ापे में टकरे मारते फिरते हो, सुनते ही कितनी बार कहा घर में चैन से बैठा करो। चलो किस दुनिया में खो गए वो राम? अब परेशानी कैसे, हमने तुम्हारा काम कर दिया। तुम्हारा दोस्त राज तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रहा है। शुक्रिया। वेलकम। अरे ये कह रहे, तू दुबला हो गया? वो साले हलकट लोग जेल में चक्की पिसवाते थे ना। अरे ना, अपन तो लॉकअप में एकदम फोकट के राजा बन गए। सरकार से भत्ता वसूल करके जमा किया तेरे लिए। ये देख देख, ये देख। पंतु एकदम रियल का राजा कैसे बन गया? ए, राजा बनाकर अपनी इंसुलेट मत कर। राजा लोग क्या, राजा लोग तो तुम्हारे जूते की पॉलिश के लिए नौकरी पर रखेगा। लाल जूते की पॉलिश के लिए एक राजा, काले जूते की पॉलिश के लिए दूसरा राजा। अबे सपना देख रहा है क्या राम? तेरी तबीयत बरोबर नहीं लग रही, आराम कर। अरे मेरी तबीयत एकदम बरोबर है, तू सुनेगा तो तेरी तबीयत भी एकदम बरोबर हो जाएगी। बैठ, बात सुन। साले तूने आसमान पर एक साथ इतने बादल नहीं देखे होंगे जितनी दौलत मेरे हाथ लग गई है। किधर से? जरा दरवाजा बंद करके आता। इसी साले सम्राट से। अरे तेरे यार ने पाताल से भी ढूंढ निकाला उसे, सोना ही सोना भरा है चिकार। सम्राट में सोना, वो गैर कानूनी हथियार, गोला बारूद, वो जो खबर छपी थी छापे में, इसका मतलब कैप्टन चावला। एकदम बंकस बात है। इतना सोना भरा पड़ा है कि आंखों में समा नहीं पाए, देखने की कोशिश की तो आंखें फटने लगी चकाचक। इसका मतलब है? आहिस्ता बोल, कोई साला सुन लेगा। यार आज तूने अपने यार की लाइफ बना दी। जानवर के जैसा जीता था तेरा यार, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का चांस देकर आदमी बना दिया। चल अपन अभी चलते हैं। हाँ चल, पर हम जा किधर हैं? पुलिस स्टेशन। क्यों 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 क्यों? सम्राट की रिपोर्ट लिखाने। अपन समुंदर में से सारा सोना निकाल कर सरकार को देंगे, उसके बाद स्मगलर लोगों की 400 पीसी का भांडा फोड़ कर उस निर्दोष कैप्टन चावला की बेगुनाही साबित करेंगे। जरा सोच, अपन दुनिया में कितने नामचीन हो जाएंगे रे। अबे वो नामचीन की औलाद, ये उल्टी खोपड़ी की नेतागिरी का भाषण छोड़, नहीं तो बतीसी निकाल के पेट में डाल दूंगा। ए, तू समझता क्यों नहीं है? अपन राइट बात कर रहे। हाँ राइट बात दुनिया में सिर्फ एक है राजू, कि दौलत से बड़ी चंडालनी और हरामजादी चीज दुनिया में कोई नहीं है। तू जानना चाहता है तो सुन, इसी दौलत की वजह से मेरा बाप आदमी से राक्षस बन गया। मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर उसने एक पैसे वाले के साथ घर बसा लिया। मेरी दुखी बीमार माँ फाके काटती काटती मौत के मुंह में पहुंच गई। राम बेटा, ये ले मेरे मंगलसूत्र से, वो तुझे जरूर पहचान लेंगे। मेरी तरफ से तो उनका दिल पत्थर हो गया है, लेकिन तू तो उनका अपना खून है ना बेटा। हाँ माँ। तुझे देखते ही तुझे अपने गले से लगा लेंगे बेटा। ले ले और देख, वो है ना
हाँ माँ। वो बगला उनका है बेटा, जल्दी जा, जल्दी जा मेरे लाल। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझसे कभी बातें करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ऐसा मत करो माँ, मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। जा, जा मेरे लाल, जा, जा। ए बच्चे, किधर जाता है तुम? ए, किधर जाता है? मुझे अपने बापू से मिलना, छोड़ दो। क्या बात है? कौन है ये लड़का? मुझे तो कोई चोर लगता है साहब। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, राम। राम? बेटा? हाँ, ये देखिए, ये मेरी माँ ने दिया है। क्या बकता है ये? क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी माँ ने दिया है, मैं इनका बेटा हूँ, राम। बेटा? मुझे तो पागल लगता है। बापू, देखो क्या है तुम्हारे हाथ में। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरी माँ का मंगलसूत्र है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। गोरखा, पकड़ो इसे। टॉमी, टॉमी होश। माँ माँ, मैं बापू के पास गया था। तुम बोलती क्यों नहीं माँ? देखो देखो, मैंने तुम्हारा क्या नाम माना है। मैं बापू के पास गया था माँ। आज ये साली दौलत मेरे चुंगल में फंसी है, इसी की वजह से जो हालत मेरे बाप ने मेरी माँ की थी, उससे भी कहीं बुरी गत बनाऊंगा अपने बाप की। तब जाकर मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी राजू। देख राम, जो कुछ तू बोल रहा है बिल्कुल ठीक है। पैसे की वजह से तूने जिंदगी में बहुत तकलीफ देखी है, बहुत दुख सहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत रास्ते पर जाने की ठान ले। इसमें दुनिया में किसी की भलाई नहीं हुई। मेरी दुनिया तो तू है राजू, बस तेरा साथ चाहिए। तू मेरा साथ देगा ना? राम, तेरा दोस्त हूं इसलिए कह रहा हूं कि गलत रास्ते पर जाने के लिए मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। क्या तू मेरा साथ नहीं देगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा। राजू, राजू, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा मुझे गुस्सा मत दिलाया कर। हाथ मत लगा, आज से हम दोनों यारों के रास्ते अलग अलग हैं। पर तू समझ ले, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, चाहे तू मेरी जान ले ले, मैं तुझे सरकार के पास लेकर ही जाऊंगा। समझ ले, आज से ये मेरा धर्म है। तेरा धर्म क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरा धर्म उस कप्तान की छोकरी के इश्क का भूत है जो बहुत दिनों से तेरे सर पे सवार है। पर वो छोकरी क्या है तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मैंने उस साली को उसके हरामी यार के साथ देखा है। खबरदार, जो तूने उसे गाली दी तो तुझे पता भी है कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है। वो इतनी महान है कि मुझे तेरे गंदे मुंह से उसका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। क्या कहा तूने? फिर भी मैं यही बोलूंगा। तू भी सुन ले, मैं तेरी खोपड़ी से उसके इश्क का भूत निकाल के रहूंगा। सर, वो गोम्स है। तेरा दिमाग खराब हुआ है? गोम्स को मरे कितने दिन हो गए? कर्ता जी, पहचाना इसको, सम्राट जहाज का
कार्गो इंचार्ज। मैं वही गोम्स हूँ। मेरी बेटी जेनी बाजू के होटल में है, उसे जल्दी बुला दीजिए। पापी, तब तो जरूर तूने उनके खिलाफ साजिश की है। तुमने बराबर बोला, चावला गोला बारूद का स्मगलर नहीं था, स्मगलर था वो डेविल रणवीर। चावला को जब हम लोग का गुना मालूम पड़ा तो वो हम सबको अरेस्ट करवाने को मांगता था। हम अपना सब सिन कन्फेस करेगा, छाती पर इतना बोझा लेकर हम ऊपर नहीं जा सकेगा। हमारी हमारी बेटी जेनी को बुला दो प्लीज, जेनी को बुला दो। पानी, पापा, जेनी तेरे को अपने बाप को माफी देना होगा। जेनी तेरे को नहीं मालूम तेरा बाप कितना बड़ा सिनर है। तू जान ले कि इस देवी के घर संसार में फूंक लगाने वाली माचिस की काड़ी तो मैं हूं, लेकिन अंगार लगाने वाला वो डेविल रणबीर है। तुझे कैप्टन चावला को छुड़ाना है, क्योंकि रणबीर ने कैप्टन चावला को कैद करके रखा है। हाँ, और तू ये काम तभी कर सकती है जब तू राम को रणबीर के पंजे से छुड़ा लोगी। राम? हाँ, राम भी रणबीर के पंजे में फंसा हुआ है। सॉरी कैप्टन। स्टॉप कैप्टन चावला, समंदर में सम्राट और मेरा सोना ठीक किस जगह डूबा था उसका नक्शा बना दीजिए, और यूं समझ लीजिए कि आप खुद अपने भाग्य के भगवान बन गए। इस जन्म में तो क्या, 100 जन्म में भी नहीं बताऊंगा। बताएंगे तो आप इसी जन्म में। दो जासूस खुफिया रास्तों से हमारे सीक्रेट चैम्बर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक की तलाश जारी है और दूसरा हमसे छुपने के लिए अपने आप इस मौत के मुंह में बंद हो गया। आउट। अल्लाह कसम, अपनी बंदी की बंदगी तो कबूल कीजिए बंदा परवर। ये अदाओं का लटका तो इलाहाबाद का है। आपकी ये अल्लाह रखी भी इलाहाबाद की है अल्लाह कसम। अल्लाह रखी जिसके बारे में सुना है कि जब वो पैरों में घुंघरू बांध कर तोड़ा लेती है तो बिजलियां भी शर्मा कर बादलों में मुंह छुपा लेती हैं। सरकार के कानों ने जो सुना है अल्लाह रखी वही कमाल सरकार को आंखों दिखाने आई है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके कदमों की बलाएं लेकर अपने कमाल की दाद लूं अल्लाह कसम। अल्लाह कसम सर से पांव तक झूठ ही झूठ है, लेकिन जिंदगी में पहली बार इतना हसीन झूठ देखा है मैंने, अल्लाह कसम। जाओ लड़कियों, इसे दुल्हन बनाओ। हम आज अपनी सुहाग रात इसके साथ मनाएंगे और हम अल्लाह रखी को उसके हुस्न की दाद देंगे। खाइए अल्लाह कसम। अल्लाह कसम। क्या करते हो? तेरी नमस्कार महाराज। साला, तो ये पुलिस स्टेशन है? कुछ नाराज लगते हैं महाराज।
हमारा मन तो आपके दर्शन के लिए अति व्याकुल था। आइए बिराजिए। अपन सड़क छाप आदमी है सेठ, इन अमर्द लोग को पुलिस का वर्दी पहनाकर अपन को इधर किस वास्ते बुलाया है? आपको अपने गले से लगाकर सर आंखों पर बिठाने के लिए। आपने समुंदर में हमारे जिस खजाने का पता लगाया है उसे निकालने के लिए हम आपको उस खजाने से मुंह मांगा हिस्सा देने को तैयार हैं। मांगे क्या चाहते हैं? ओए सेठ, अपन को तुम जैसे लफड़ाबाजों से दमड़ी का लेन देन नहीं रखने का। अब तेरी भलाई इसी में है कि अपन को इस चकल खाने से बाहर जाने का रास्ता बता दे। किस वास्ते? कि अपन इधर से निकलने के लिए अपना रास्ता फोड़ेगा ना तो तुम्हारा खोपड़ी ना फूट जाए। बड़े भाई, अब आप भी अपनी भलाई की एक बात हमसे सुन लीजिए। हमारे इस चक्रव्यूह से सही सलामत निकलने का एक ही रास्ता है और वो है हमारी दोस्ती का रास्ता। इसी दोस्ती के नाते हमारे हाथ से प्यार का एक जाम पी लीजिए। दूर रख, तुम्हारे सड़ेले दारू से बास आता है। Thank you.
मतलब ही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मम्मी, जरा इसे खोल के देखो। राम नाम का एक गोताखोर जिसने सम्राट का पता लगाकर मेरी जान अपनी मुट्ठी में कर ली थी और जिसे अपने फंदे में लेकर मैंने जिसकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, इस मंगलसूत्र का उसके पास निकलने का क्या मतलब हुआ मां? मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि वो इसी सांप का वही सपोला है। उसका नाम भी राम ही था। आज से 20 साल पहले वो पिल्ला इसी मंगलसूत्र को लेकर अपने बाप को ढूंढते हुए मेरे दरवाजे तक आया था। उस दिन तो वो मुझसे बचकर चला गया। अब कहाँ है वो? वो बच के जाएगा कहाँ? एक दफा मेरा काम हो जाए उससे, उसके बाद उस कुत्ते के पिल्ले की बलि आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। अब चलिए अपने जन्मदिन का केक काटिए, छोड़िए ये सब, आइए। मैं आपका बेटा हूँ राम, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी माँ ने दिया है। मेरी जान, तुझे मेरे हाथों मरना है, उसको याद कर ले, इसे याद करना। मैं तो सिर्फ एक बात चाहता हूँ। मैंने अपनी दोस्ती का जाम तुम्हारी तरफ बढ़ाया था, लेकिन तुमने उसमें थूक दिया था और आज तुम अपना थूका चाटोगे। पहले तो मैंने तेरे जाम पर थूका था, लेकिन आज मैं तेरे मुंह पर थूकता हूँ। थू। सर, ऐसे तो ये मर जाएगा। मैं इसे मरने नहीं दूंगा। ये जब तक नहीं मानेगा ये इसी तरह जिंदगी और मौत के बीच में टंगा रहेगा। इनकी चाहती अल्लाह रखी कहाँ है? सेल नंबर X2 में। जाओ जरा वो सेल भी खोलो। ओके सर। उनसे भी जरा बंदगी कर ले। तेरा बाप हूं, पहचान मुझे? हाँ, पहचान लिया, इसलिए तो मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। चले जाओ यहां से। बेटा, तू मुझे जो सजा दे मुझे मंजूर है, लेकिन इस नर से निकाले न दे, वो रणवीर तेरी जान ले लेगा। वो राक्षस से बेटा। हाथ मत लगा मुझे। उस राक्षस की दी हुई मौत तुम्हारी दी हुई जिंदगी से कहीं बेहतर होगी। वो एक बार की मौत होगी, लेकिन तुम्हारी दी हुई जिंदगी के हर पल मैं एक मौत मरता रहा हूं। बेटा, तू अपने इस पापी बाप को क्षमा नहीं दे सकता? दे सकता हूं, लेकिन क्या तुम मेरी मां के आंसू वापस ला सकते हो जिन्हें बहाते बहाते वो इस दुनिया से चली गई?
उस लावारिस लाश को वापस ला सकते हो जिसकी चिता के लिए एक एक लकड़ी मैंने लोगों से भीख मांग कर इकट्ठी की थी। बोलो, ला सकते हो? जवाब दो। कोई जवाब नहीं मेरे पास बेटे। तेरे बाप ने जिंदगी में इतने गुनाह किए, इतने पाप किए कि सौ जन्म में भी उसकी सजा पूरी नहीं होती बेटा। तू मेरा विश्वास मत कर, लेकिन आज मुझे कह लेने दे, सीने के छाले फोड़ लेने दे, ये पाप के खंजर जो सीने में गड़े उसे उखाड़ लेने दे बेटा। मेरी सजा तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब अपनी देवी जैसी धर्मपत्नी को ठुकरा कर एक बाजारी औरत से गिरी हुई औरत को अपनी धर्मपत्नी कहना पड़ा, और तुझको छोड़कर उसके पेट में पलते हुए किसी और के पाप को अपनी औलाद कहना पड़ा। हरामजादे, नमक हराम, तुझे पालने से बेहतर होता अगर माँ कोई कुत्ता पाल लेती। हमारे खानदान के टुकड़ों पर पलकर हमें पे भौंकता है कुत्ते, गली गली भीख मांगता था कुत्ते, तुझे करोड़ों के कारोबार का मालिक बनाया। मेरी माँ ने तुझे अपने सर का ताज बनाया सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे को समाज में नाम मिल सके। अब मैं तुझे तेरी औकात बताता हूं बुड्ढे। इसे ले जाओ, बंद कर दो। रणबीर स्पीकिंग। बॉस, माफिया चीफ माइक द मैट गोवा पहुंच चुका है, उसने आपको जल्द अज जल्द मिलने के लिए कहा है। पता नहीं क्या होगा। अरे तू यहां? देख रही हूँ ना सिर्फ आपका बेटा रणबीर, बल्कि आप भी इतनी परेशान हैं कि मैं सामने खड़ी हूँ फिर भी नजर नहीं आ रही हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ मुझको बिल्कुल गैर समझकर मुझसे ही परेशानी क्यों छुपाई जा रही है? चल, पागल कहीं की, तू कैसे गैर हो सकती है? बैठ। तू जानती है रणबीर मेरी जान है, और मैं जानती हूँ तू रणबीर की जान है, इसीलिए तू मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। इसीलिए तो मेरा दिल और भी टुकड़े टुकड़े हो रहा है कि आपने एक अजनबी और बेसहारा लड़की को जमीन से उठाकर आसमान पर तो बिठा दिया, लेकिन मैं इस काबिल ना बन सकी कि मैं आपका दुख बांट सकूं। बताइए ना क्या बात है? जरूर इसका ताल्लुक सम्राट से है जिसको गोला बारूद के स्मगलर किसी कैप्टन चौला ने डुबो दिया था। सम्राट तो हमारे ऑर्डर से डुबोया गया है। आपने अपने जहाज को खुद डुबो दिया? जहाजों का बिजनेस तो सिर्फ दिखावे का बिजनेस है, हमारा असली बिजनेस सोने का है। रियली मामी? समुंदर की तह में सम्राट के साथ हमारा सारा सोना हिफाजत से रखा है, और वो जगह दिखाने के लिए कैप्टन चावला भी हमारे कब्जे में है। रियली? लेकिन मामी, जब हमारा सारा सोना महफूज है और वो जगह बताने के लिए कैप्टन चौला भी हमारे कब्जे में है, तो फिर आप इतने सीरियस क्यों हैं? आपको भी मेरी तरह खुशी से नाचना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सोना सप्लाई किया है वो दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर लोग हैं। उसका मालिक है मैग द मैड, वो हमसे उस सोने का हिसाब किताब लेने आ रहा है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशानी की बात सिर्फ इतनी है कि ये मेरी माँ है, और हर माँ अपने बच्चे के लिए परेशान होती है और दूसरों को परेशान करती है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं मैक द मैट को अपने घर बुलाकर इस तरह एंटरटेन करूंगा। इस सेवा का मौका आप अपनी इस दासी को दीजिएगा, और फिर देखिए ऐसा चमत्कार दिखाऊंगी कि जन्म भर ना तो वो भूल सकेगा और ना आप। अब तो तुम आगे से ठीक लगते हो, बुखार भी नहीं है। वो तुम्हारी माँ इतनी खातिरदारी नहीं करती तो अपनी खाट खड़ी हो गई होती। इस वक्त भी डॉक्टर के पास दवा लेने को गई है, पर वो बेचारे को क्या मालूम, अपन का तो एक ही दवा है वो हल्का ट्राम। जब तक उसका पता नहीं मिलता कि उस कुत्ते रणवीर ने उसे कहाँ बंद कर रखा है, उस टाइम तक अपन कहाँ चंगे हो सकते हैं। मैंने उसका पता निकाल लिया है और उस तक पहुँचने का रास्ता भी। ये देखो। ये कौन है? मैक इज माय नेम, मैक द मैड। रणबीर, मुझे ये बताओ कि मैक के गोल्ड का पेमेंट कब करोगे? गोल्ड? व्हाट गोल्ड? व्हाट गोल्ड? जीसस क्राइस्ट सम्राट,
full of gold. अगर तुम्हें अपना पैसा चाहिए, समंदर से सोना निकाल लो, हमारे हवाले कर दो और अपना पैसा ले लो। बैठो, बैठो। देखो रणबीर, तुम हमारे बिजनेस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हो। बिजनेस की बातें मैं सिर्फ अपनी ऑफिस में डिस्कस किया करता हूँ। ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हें एंटरटेन करना मेरा फर्ज है। Ah!
अच्छा रंग जमाया है, चक्कर खूब चलाया है, बड़े दिनों के बाद मुझे किसी ने बड़ा हंसाया है। आओ तुम दोनों कुछ इनाम लो, अब मेरी बारी आई, जिगर थाम लो। बंद करो ये तमाशा, हैंड्स अप। तुम क्या समझता है मैक द मैड को ये इंडियन लॉलीपॉप अपने जाल में फंसा लेगा? मैक द मैड दुनिया का सबसे होशियार आदमी है, उसको दुनिया की हर बात का मालूम है। मैक द मैड को यह भी मालूम है कि सम्राट नाम के जहाज को तुमने अपने ऑर्डर से डुबो दिया था। बोलो यस कि नो। यस। और राम नाम के सी ड्राइवर को समुंदर में सम्राट और सोना दोनों मिल गया है। बोलो यस कि नो। यस। और राम इस वक्त मेरे कब्जे में है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम कहोगे मुझे उसके पास ले चलो। बोलो यस और नो। यस। चलो पधारो। पहले तुम। यह है राम साहब, डीप सी डाइवर, जिनसे मिलने के लिए आप इतने बेचैन थे कि आपने मेरी जान पर दो दो पिस्तौलें तानी हुई। और राम साहब, इनका तारुफ करवाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है ना? बंद करो अपना यह नाटक कंपनी। तुम क्या समझता है कि आपको नहीं समझा है कि तुम समझ गए है कि आप उन कौन है? बराबर। और अपन जानता है कि तुम समझ गए है कि अपन समझ गए है कि तुम कौन है। ये साला राम का दोस्त राज। तब तो साला तुम ये भी समझ गया होगा कि अपुन आज तुम्हारे इस मरगट में, तुम्हारे इस अंगार में तुम्हारी जिंदा चिता बनाएगा। बरोबर। चलो खोलो। जैसे सरकार का हुक्म। ये तो दुनिया का उसूल है, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। दूसरा हाथ खोलो। मैं माफी चाहता हूँ श्रीमान राम जी, बहुत कष्ट दे रहा हूँ मैं आपको। निकल कर कहां जाओगे सपोले? बरसों पहले तू मेरे हाथ से बचकर निकल गया था, तब से मुझे तेरा इंतजार है। आज मैं तुझे सीधा नरक पहुं। पिताजी। नरक तेरी जैसी चुड़ैलों के लिए बनाया है होली मदर ने। राम, टाइम खोटा मत कर, बापू को लेकर निकल जा, मैं इसको संभालता हूं। हमारे साथ ही दगा क्यों की तूने? सच सच बता तू कौन है? मैं बताती हूँ, फौला सिंह ने इसकी सारी पोल खोल दी है। ये कैप्टन चावला की बेटी सुमन है। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट किया आपने सुमन देवी? ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे। सुमन देवी, हम आपको अभी
आपके पिताजी से मिलवा देते हैं। कैप्टन चावला, यह है आपकी सुपुत्री सुमन, जिसको आपसे मिलने का बड़ा अरमान था। डैडी। सुमन। डैडी। आ आ आ आ। इतना जुल्म मत कीजिए हम पे, हमने आपका अरमान पूरा कर दिया है। अब आप अपने पिताजी से हमें सोना दिलवा कर हमारा अरमान पूरा कर दीजिए। कमीने कुत्ते, छोड़ छोड़ उसे। हट हट डैडी, ये मेरी आबरू को दांव पर लगाकर आपका धर्म खरीद रहा था ना, मैं अपनी जिंदगी खत्म ही कर देती हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा सुमन जी? नीच, कमीने। कैप्टन चावला, अब की बार अगर आपकी बेटी ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, आई विल शूट यू कैप्टन। बेइज्जती की रस्म पूरी करो। रणवीर, रुजा राक्षस, रुजा राक्षस, रुजा मेरी 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 बेटी को हाथ मत लगा, मेरी बेटी को हाथ मत लगा। मैं बताता हूँ कमीने, मैं बताता हूँ। राज, तूने जिंदगी भर मुझे प्यार दिया, लेकिन जब तूने कैप्टन चावला की बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, तो मैंने तुम्हारी दोस्ती पर तमाचा मार दिया। इसलिए उस वक्त मेरे दिल में बापू के लिए नफरत की आग भड़क रही थी, लेकिन आज आज वो आग बुझ गई है। राम, शर्मिंदा मत कर, मैंने तुझे कभी गलत नहीं समझा। ओ गॉड, गजब हो गया है। उस राक्षस रणवीर को सुमन के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो उसे पकड़कर अपनी लॉन सी कैसल में ले गया है, जहां पर उसने कैप्टन चावला को भी बंद कर रखा है। अब सुनो, तुम सबके डाइविंग सूट्स में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फिट कर दिए गए जिनके जरिए तुम पानी में भी मेरा ऑर्डर सुन सकोगे और पानी में खुद भी मुझसे बातचीत कर सकोगे। यस बॉस। कैप्टन चावला सबसे पहले डाइव करेंगे और उनके बाद तुम्हारे आदमी। कैप्टन चावला, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, गो। बट प्लीज कैप्टन, डोंट फॉरगेट योर ब्यूटीफुल डॉटर। अपनी प्यारी सी बेटी को भूलिएगा मत, सोचते रहिए उसके बारे में। सम्राट और सोना दोनों ही मिल गए। कांग्रेचुलेशंस, ब्रावो। एक काम करो, सोने को बलून के जरिए ऊपर भिजवा दो। ओके बॉस। देवी, वक्त वहीं रुका हुआ है जहां आपने उसे रुक जाने का हुक्म दिया था। यह वही घड़ी है जब आपने मस्ती में झूम झूम कर अपना प्यार हमारे कदमों में निछावर करने की कोशिश की थी। आइए अपना अरमान पूरा कीजिए। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। आइए ना। मिस सुमन,
मेरे लिए अब आपके पिताजी की जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। मेरे एक ही इशारे से मेरे आदमी उन्हें समंदर में ही खत्म कर सकते हैं। आ आ आ आ आप खुद ही सोच लीजिए। आप अगर हाँ कहेंगे आपके पिताजी जिंदा रहेंगे, अगर ना कहेंगे बेचारे मर जाएंगे। नरक की आग में जल कभी मैं तुझे हाथ नहीं लगाने दूंगी। मैडम हंसते खेलते तुम खुद मेरी बाहों में आओगी। जॉन। यस बॉस। कैप्टन चावला अब जिंदा नहीं रहेगा, समंदर में ही खत्म कर डालो उसे। राक्षस, तूने जो करना था कर लिया, लेकिन अब तुम मुझे भी जिंदा नहीं पा सकेगा। राम, यही है सिकासल। ये क्या है? बोर्ड पर सोना। राजू, लगता है ये लोग सम्राट तक पहुंच गए हैं। राम और राज तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, वो बचने ना पाए। यस बॉस। देखो, राम और राज हमारी तरफ आ रहे हैं, ये लोग बचने ना पाए। कैप्टन की सांस लेने की नली काट कर खत्म कर दो। बॉस, राम और राज ने जॉन को मार डाला। देख कमीने, तुझे खत्म करने के लिए भगवान ने इनको भेजा है। छोड़। इन दोनों की मौत इन्हें यहां लाई है। अब तुम अपनी आंखों से इनका तमाशा भी देखो और अपना तमाशा भी।
राज, तू कैप्टन को संभाल, मैं साले को देखता हूँ। जल्दी से इंजन स्टार्ट करो, जितना सोना है हमें लेके निकलना है। पानी के अंदर रहो या पानी के बाहर रहो, रणबीर से तुम बच नहीं सकते। एंजल, डैडी, जॉनी, कैप्टन साहब, आप ठीक तो हैं? थैंक यू बेटी, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। क्यों राम राज, तेरी मेरी यारी, यारों ने बाजी मारी, सारी दुनिया हारी, पंजा छक्का।